हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन। लिटिल किटन का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपनी प्रैक्टिस में बिजी था, तब तंग जंगकुक को मैसेज करता है, पर जंगकुक इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक ने क्यों उसे रिप्लाई नहीं किया है, उसे तो रिप्लाई करना चाहिए जैसे जंगकुक हर वक्त करता है। और तंग इस वजह से कॉन्फ्यूज था और वो सीधा जंगकुक को कॉल करता है, पर फिर भी जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। इसे देखने के बाद तंग को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है, क्या जंगकुक फिर से नेक्स्ट टर्न में बिजी है। पर तंग को याद आता है कि जंगकुक किस टाइम पर प्रैक्टिस के टाइम है, तो फिर जंगकुक नहीं जाएगा क्योंकि अभी शाम के टाइम ही जंगकुक अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहता है। तब तंग अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और वो कुछ फाइल चेक करने में बिजी हो जाता है। पर जंगकुक जब अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करता है, तब वो अपने फ़ोन को जब चेक करता है, तब वो देखता है कि जंगकुक को तंग ने मैसेज किया था। तब जंगकुक तंग के हर एक मैसेज को रीड करता है। इसे देखने के बाद वो एक लंबा सांस लेता है और उस पर करके कहता है, मछली फाइनली जल में फंसी गया है, अब सिर्फ उसे मुझे पानी से ऊपर उठाना होगा और उसके बाद उसके साथ क्या करना होगा वो बाद में ही पता चल जाएगा। और जंगकुक स्मार्ट करते हुए तुरंत अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन लोगों को क्लब में आने के लिए कहता है। और जंगकुक उसके साथ जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर जल्दी से अपनी क्लोथ को सेंस करके क्लब की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ तंग जो अपनी वर्क को फिनिश करने के बाद वो जब अपने फ़ोन को चेक करता है, तब देखते हैं जंगकुक ने उसके मैसेज को तो चेक कर लिया था पर कोई भी रिप्लाई नहीं था। उसे देख कर तंग जंगकुक को कॉल करता है, पर जंगकुक तंग की कॉल को नहीं उठाता है। इसे देख कर तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो कॉल करना बंद नहीं करता है और आखिर में जाकर जंगकुक तंग की कॉल को उठा ही लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, मुझे बार बार क्यों तुम डिस्टर्ब करते हो। तब तंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें कॉल कर रहा था। तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो खुद ही मेरी अटेंशन चाहते थे ना, तो फिर अचानक से तुम्हें क्या हो क्या है। तब जंगकुक फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मैं अब क्लब में जा रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करूँ। तभी तंग कहता है, क्यों, तुम क्यों क्लब में जाओगे, तुम क्या वहाँ पर नाइस टर्न के लिए जाने वाले हो, पर तुम तो नाइस टर्न करना बंद कर दिए थे ना मेरी वजह से, तो फिर तुम क्यों अचानक से वहाँ पर जाना चाहते हो, हम लोग हमारी शादी के बारे में बातें कर सकते थे, तुम कैसे ये सब कुछ कर सकते हो, ये सब कुछ बंद करो, चुपचाप घर में वापस आओ। जंगकुक तभी अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, मैं क्यों आऊँ, तुम मुझे बोले थे कि मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, तो फिर मुझे मूव ऑन तो करना चाहिए, और मुझे लगता है क्लब सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेस है जहाँ पर हम लोग हमारी लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, मे बी आई थिंक, और अगर तुम ये नहीं सोचते हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, पर अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मैं क्या मर जाऊँगी, मैं क्या होल लाइफ ऐसे ही कुमारा मर जाऊँगी, ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरी लाइफ में आगे जाना है और मैं ट्राई कर रही हूँ, तुम अगर मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर अपनी फैमिली के पास जाओ, उन लोगों को जाकर बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर छोड़ दो, कम से कम मुझे मेरी लाइफ में मेरी तरह रहने दो। पर जंगकुक, तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, मैं उसमें इस बारे में मेरी पेरेंट्स के साथ बातें करना चाहती हूँ, तुम सिर्फ एक काम करो, वहाँ से वापस आ जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस बारे में बातें करूँगी और जल्दी ही हम लोग शादी भी कर सकते हैं, तुम जैसे चाहते थे, पर तुम प्लीज़ क्लब में मत जाओ, मुझे नहीं पसंद, तुम ऑलमोस्ट 1 वीक से मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर रही हो, तुम मेरे साथ डेट पर जाते हो, तो फिर अचानक से तुम कैसे क्लब में जा सकते हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं सच में मेरी पेरेंट्स के साथ बातें करूँगी, मैं ऑलरेडी उन लोगों के साथ बातें करने के लिए मैं आज मेरे घर में भी बुलाया हूँ, प्लीज़ अब क्लब से वापस आ जाओ, कल मॉर्निंग में मेरी पेरेंट्स तुम्हारे घर में भी जाएगा, प्लीज़ सिर्फ वापस आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और तंग इस बार सॉफ्टली जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, मैं नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक कॉन्फर्म नहीं होता है मैं नहीं आऊँगी, तुम बार बार मुझे इंसल्ट करते हो, मेरा खुद का एक स्टेटस है जिसे मैं बिल्कुल भी खो नहीं सकता हूँ, पर तुम्हारी वजह से मैं उससे बहुत बार खो चुका हूँ, पर अब और नहीं। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बैड बहुत सारे बातें कहा था, पर तुम भी तब तो बैड थे ना, तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड और रूड बिहेव कर रहे थे, और इसी वजह से मैं तुम्हें लाइक नहीं कर रहा था, सब लोग ही ऐसा करेगा, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मूवी है जिसमें
हम लोग उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। रियल लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है। प्लीज़ वापस आ जाओ, क्लब में मत जाओ, मुझे नहीं पसंद। तुम क्लब में जाओ क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही तुम नाइस टर्न करोगी और वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ तुम्हारी ऊपर आएगा, मुझे नहीं पसंद। प्लीज़ वापस आ जाओ, अगर तुम चाहते हो तो फिर नाइट में तुम मेरे घर में रुक सकते हो। तब जंगकुक तुरंत कहते, क्या मैं सच में रुक सकती हूँ? तभी तो कहते, हाँ क्यों नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं बाहर जाने ही वाला हूँ, तुम यहाँ पर आ सकते हो, हम लोग एक साथ घर में जा सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं आज। पर तोंग, तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम्हारी पेरेंट्स आने वाला है। तभी तोंग कहता है, नहीं मैं उन लोगों को मना कर दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है, ओके मैं आ रही हूँ, मैं क्लब में जाना कैंसिल कर दूंगी। तब तोंग तुरंत हाँ कह देता है और जंगकुक तभी कॉल को कट कर देता है। और जंगकुक जो क्लब के एकदम सामने ही खड़ा हुआ था और वो क्लब की तरफ देख कर स्मार करता है और वो चुपचाप अपने बाइक की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड आकर कहते हैं, तुम क्या कर रही हो जंगकुक, तुम क्यों वापस जा रहे हो? तब जंगकुक स्मार करते हुए कहता है, जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया है और मुझे क्लब में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाकर इंजॉय करो। पर तभी जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, हम लोग सब इंजॉय कर सकते हैं, इस तरह से मत बोलो, चलो चलते हैं, ऐसे भी तुम बहुत दिनों से ऐसा शो कर रहे हो जैसे तुम क्लब में आना बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट भी नहीं रखते हो। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिख करते हुए कहता है, क्लब में जितने ज़्यादा लोग हैं अगर उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई मिल जाए तो फिर क्लब भी फीका लगने लगता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं, क्या सच में ऐसा कोई तुम्हें मिल गया है और तुम उसके वजह से ही खुद भूख को नहीं मिटा रहे हो राइट? तब जंगकुक स्मार करते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं उस ब्यूटीफुल को मेरे पास रखना चाहती हूँ, हर एक कीमत पर मेरे पास रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और तुम लोगों के माइंड में जो चल रहा है कि मैं उसे शेयर करूँगी, ये कभी भी मत सोचना, और मुझे रोकने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, वरना हॉस्पिटल में पहुँच जाओगे। और जंगकुक इसके साथ तुरंत ही अपनी बाइक के पास जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। और जब हॉस्पिटल के गेट के सामने आ ही जाता है तभी तोंग जो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था, पर वो जंगकुक को देखने के बाद तुरंत दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और उसे तुरंत कहता है, दोबारा से कभी भी क्लब में मत जाना। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, चुपचाप पीछे बैठो। तब तोंग कोई भी बातें ना करते हुए पीछे बैठ जाता है, पर जंगकुक की नज़र जिमिन की तरफ जाता है जो योंगी के साथ जाकर कार में बैठ रहा था। तब जंगकुक तुरंत योंगी की कार के पास जाता है और उसकी बाइक को रोक देता है और योंगी की तरफ देखता है। फिर वो योंगी को अपनी कोल फर्स में कहता है, मेरी ब्रदर के साथ अगर उल्टा सीधा कुछ भी करने की ट्राई किए तो फिर देख लेना। तब योंगी अपनी कोल फर्स में कहता है, और यू लिटिल किड, मैं क्या जान सकती हूँ तुम कौन हो? तब जंगकुक अपनी कोल फर्स में कहता है, लिटिल किड तुम होगे, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा टस भी किया तो फिर तुम्हारे हाथ टूट जाएगा, तो फिर ये सारे बातें मुझे मत सुनाओ, चुपचाप अपने काम से काम रखो, सिर्फ मेरी शॉर्टी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और हसतांग को लेकर चला जाता है। तब योंगी कहते हैं, कौन था? तब जिमिन कहते हैं, उसे भूल जाओ, वो मेरे ब्रदर था। तब योंगी कहते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा एक प्ले बॉय टाइप के बॉय होगा ना। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, उसके बारे में बातें करना बंद करो, सीधे घर में चलो। तब योंगी हाँ कहते हुए कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और जिमिन को लेकर जिमिन के घर की तरफ चला जाता है। जंगकुक तोंग को लेकर जब तोंग के घर के पास आ जाता है तब तोंग बाइक से उतरते हुए जल्दी से जाकर घर की मेन डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक भी तोंग को फॉलो करते हुए घर के अंदर आ जाता है। तब तोंग तुरंत कहता है, रुको मैं चेंज करके आती हूँ। तब जंगकुक तोंग को फॉलो करता है। तब तोंग थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, पर उसे याद आता है कि उसने ही जंगकुक को ऑफर किया था उसके साथ रहने के लिए। फिर तोंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्लोज़ेट के पास जाता है और अपनी क्लोथ को लेकर बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर अपनी क्लोथ को चेंज करके जब बाथरूम से बाहर आता है तभी जंगकुक तोंग को अचानक से वॉल के साथ पिन कर देता है। तब तोंग शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी तरफ देख रही हो। तब तोंग अपनी चेकिंग वॉइस में कहता है, पर तुम मुझे पिन क्यों करके रखी हो? तुम अगर मुझे देखना चाहते हो तो फिर ऐसे भी। पर जंगकुक तभी तोंग के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखता है और कहता है, डोंट टॉक, यू नो बेबी बॉय,
तुम डे बाय डे मेरी हार्ट को चुरा रहे हो। मैं इसमें क्या करूँ? मैं क्या इस दीप को पकड़कर अब बंदी बना दूँ एक जेल में? तब तुरंत तुम क्या रेड हो जाता है और क्या था तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल को चुरा रही हूँ? तभी जंगकुक तंग को बैट स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तब तंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहते तुम क्या कर रहे हो? तब जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और तंग के साथ वो खुद भी बेड पर आ जाता है और तंग के ऊपर था। तब तंग जंगकुक की आइस की तरफ देखता है। तब जंगकुक की आइस पूरी तरह से डार्क था और जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी? डोंट वरी बेबी बॉय, मैं किसी की परमिशन के अलावा किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरी काम बिल्कुल भी नहीं है किसी को फोर्स करना। मुझे फालतू की ये सारे काम करने में कोई भी शौक तक नहीं है। जो खुद से मुझे देना चाहेगा मैं उसे ही ट्रस्ट करूँगी, और जो नहीं देना चाहेगा मुझे उसे फोर्सफुली खुद की बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो फिर तुम सेफ हो मेरे पास। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है कि जंगकुक जितनी भी ज़्यादा जो भी क्यों ना कर ले पर वो आगे तक एक गुड पर्सन ही था। फिर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि मैं समझ गया हो, तुम सच में गुड पर्सन हो, तुम एक बैड पर्सन नहीं हो जैसे लोग तुम्हारे बारे में कहता है। तब जंगकुक तंग के ऊपर से उठ जाता है और उसके पास लेट जाता है और कहता है मुझे पता है मैं एक गुड पर्सन हूँ और ये बात सबको ही पता होना चाहिए और तुम्हें सबके पता लग ही गया है, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तब तंग जो थोड़ा सा फिर से स्मेल करता है क्योंकि उस उसने जंगकुक के साथ अब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहा था। फिर जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे खुद के पास खींच लेता है और कहता है मैं क्या तुम्हें हक करके इसी तरह से सोच सकती हूँ? तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम यहाँ पर सोने के लिए आए हो? तब जंगकुक कहते तुम तो यही लिए मुझे इन्वाइट किए थे ना, या तो तुम और कुछ चाहते थे? नॉट ए बेबी बियर, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं करूँगी, अब इस तरह से मत बोलो वरना मैं सच में बहुत ही ज़्यादा तुम्हें लेकर क्रेजी हो जाऊँगी और नीडी फील करूँगी। तब तंग शांत हो जाता है और उसके बाद जंगकुक को हक कर लेता है और कहता ओके तुम ऐसे ही सो सकते हो। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और तंग को हक करके तंग को अपने आर्म्स में लेते हुए कुछ मिनट के अंदर पीसफुली सो जाता है। तब तंग भी जंगकुक के आर्म्स में पीसफुली सो जाता है और सोली सोली सब कुछ नॉर्मल ही जाने लगता है और तंग और जंगकुक की वेडिंग की डेट भी निकल आता है और उन दोनों की शादी भी हो जाता है। और शादी के कुछ दिन सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से जा रहा था। तंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और जंगकुक तंग की हर तरह से फिक्र कर रहा था और इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा खुद को लकी फील कर रहा था आखिर तक जंगकुक को सुस्त करने के लिए। पर जब जंगकुक उसकी फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तब वो लोग घर में आने के बाद तंग उन लोग के लिए बहुत सारे डिशेज को कुक किया था, क्योंकि तंग ये नहीं चाहता है कि वो लोग थोड़ा सा भी ये सोचे कि तंग कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ और बाकी सारे चीज में बिजी था, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग यही सोचता है कि जो लोग स्टडीज़ में बिजी रहते हैं वो लोग कुकिंग या तो इस सारे काम में कोई भी ध्यान नहीं रख पाता है। और तंग सच में नहीं चाहता है कि जंगकुक थोड़ा सा भी अशेम्ड फील करे और तंग सारे काम को बहुत अच्छी तरह से किया था। और वो जब जंगकुक के सारे फ्रेंड को डिनर सर्व कर रहा था तब सब लोग जंगकुक की और तंग की तरफ देख रहा था। फिर वो लोग जब डिनर करने ही भला था तभी जंगकुक की एक फ्रेंड कहता है तंग तुम क्या मुझे वॉशरूम दिखा सकते हो? असल में मुझे खाने के पहले हैंड क्लीन करने की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आदत है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ अपना आईब्रोस रेस्ट करके देखता है। फिर तंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ मुझे फॉलो करो। तब वो तंग को फॉलो करते हुए चुपचाप जाने लगता है। फिर तंग जब उसे लेकर वॉशरूम के पास आ जाता है तब तंग स्माइल करते हुए कहता है ए वॉशरूम तुम जल्दी से अपने हैंड को क्लीन कर सकते हो। तब तंग को वो बॉय कहता है तुम क्या मेरे साथ अंदर आओगे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसलिए मुझे सच में जानना होगा। तब तंग चुपचाप वॉशरूम के अंदर जाता है और जाने के बाद उससे कहता है यहाँ पर सब कुछ है और तंग से सब कुछ शो करने नहीं वाला था। पर तभी वो तंग को वॉल के साथ पिन कर देता है। तब तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसके साथ तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। ये बॉय उसके साथ क्या करना चाहता है? तब वो स्मार्ट करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बाय द वे तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम
मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर सकते हो। तब तंग तुरंत क्या था, मुझे नहीं चाहिए, और तंग फोर्सफुली उसके हाथ को तुरंत खुद के हाथ के ऊपर से हटा देता है और गुस्से से क्या था, दोबारा से ये सारे हरकतें बिल्कुल भी मत करना वरना मैं शंकु को बोल दूंगी। तब वो तुरंत गुस्से से तंग के हाथ को पकड़ लेता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, जिस वजह से तंग को हाथ में पेन फील होने लगता है। तब वो भाई गुस्से से क्या था, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, तुम्हें कितनी ज़्यादा मनीष चाहिए, मुझे पता है कि तुम भी एक स्लटी हो और तुम मनीष चाहते हो, मुझे सिर्फ ये बोल दो कितना चाहिए, मैं तुम्हारी मुंह के ऊपर फेंक दूंगी। तब ये सुनकर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसे जोर से एक स्लैप मारता है और कहता है अपनी ये सारे शेमलेस बातें खुद के पास रखो, और तुम फोर्सफुली उसके हाथ को हटा देता है। तब वो बॉय गुस्से से कुछ कह नहीं वाला था, तभी जंगू कहते यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तुम गुस्से से कहता है तुम्हारी फ्रेंड पूरी तरह से मैड है, और ये कहने के बाद तंग गुस्से से जाने वाला था, पर जंगकुक तंग को तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे बोलो यहाँ पर क्या हो रहा था। तब तंग पीछे की तरफ बिना टर्न हुए कहता है तुम्हारी फ्रेंड मुझे उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए ऑफर कर रहा था, तो फिर यही वैसे मैं उसे स्लैप मारा हूँ। तभी जंगकुक की फ्रेंड कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम क्या तुम खुद से ऐसा किया हो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है जंगकुक के असल में कहने का क्या मतलब था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम क्या उसे ऑफर किए थे उसके साथ नाइट स्टैंड में आने के लिए। तब तंग शॉक होकर कहता है मैं क्यों ऐसा करूँगी, और वो पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगकुक उसकी फ्रेंड की तरफ देख रहा था, तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है यस जंगकुक तुम सही कह रहे हो, उसने ही मुझे ऑफर किया था ना कि मैंने उसे ऑफर किया था। तब जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ फिर से देखता है और कहता है तुमने ऑफर किया था। तब तंग जंगकुक की तरफ डायरेक्टली देखते हुए कहता है नहीं मैं क्यों करूँगी, मुझे कोई भी शौक नहीं है उसे ऑफर करने की, मैं तुम्हारे साथ ही हैप्पी हूँ। तब जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर तुमने ऑफर किए थे। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है नहीं मैं, तभी जंगकुक उसे ज़ोर से पंच कर देता है जिस वजह से वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। तब जंगकुक उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर जिस तरह से आए थे उसी तरह से नीचे जाओगे, और नीचे जाने के बाद डिनर करके चुपचाप यहाँ से चले जाओगे, और अगर नहीं जा पाते हो तो फिर फिक्र मत करो, एम्बुलेंस को मैं ज़रूर कॉल करूँगी और उसके बाद तुम्हें आकर खुद से यहाँ पर ले आ जाएगा। ओके आई होप तुम समझ सकते हो, मेरी सिस्टी पर कभी भी अपनी नज़र मत देना। तब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है गुड तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, अब चुपचाप चलो जबकि मेरा फ्रेंड हो तो फिर तुम्हारी तो खातिरदारी करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद जंगकुक एक फोर्सफुल स्माइल देता है और तंग के वेस्ट करने अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है डार्लिंग चलो चलते हैं। तब तंग उस पर गर के कहता है मैं डर गया था अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी, 100% मैं करती हूँ, जबकि मैं तुमसे शादी करने के लिए हर एक चीज़ करने के लिए राजी था तो मैं क्यों तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी, अब चलो चलते हैं। और उसके बाद जंगकुक तंग के साथ नीचे चला जाता है और नीचे जाकर सब कुछ एकदम पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से जाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और डिनर बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर डिनर कंप्लीट होने के बाद जंगकुक के सारे फ्रेंड जंगकुक को बाय कहता है, और जंगकुक के वो फ्रेंड भी जो बाय कहकर जाने ही वाला था, तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब उसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है और जंगकुक को चिल्ला कर कहता है मेरे हाथ को छोड़ दो मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक उसके हाथ को नहीं छोड़ता है बल्कि अपनी रेड आइस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और उसे उसके बाद अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है लिसन तुम इसी तरह से मेरे हस्बैंड के हाथ को पकड़े थे ना, अब ये सब बराबर हो गया है, अब यहाँ से जाओ और दोबारा कभी भी इस तरह पाने के बारे में सोचना भी मत। तब जंगकुक की फ्रेंड गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक कहता है यहाँ से चले जाओ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है चलो घर में चलते हैं, बाय द वे मैं हम लोग के खुद के घर के बारे में सोच रहा था। तब तुरंत तंग कहता है बट ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब
जिनको कहते मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं एक मेंशन बाय करने के बारे में सोच रहा था। तब शॉक होकर कहते क्या मेंशन? तब जिनको कहते हाँ क्यों नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा मनी तो है ही। तब दंग फिर से शॉक हो जाता है और कहते नहीं मुझे मेंशन नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बिग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेंगे। पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और तंग को मना ही लेता है। तब तंग जो आखिर तक मान ही जाता है और जंगकुक जब तंग को मना कर उसके साथ रूम में जाता है, तब तंग सो जाने के बाद जंगकुक जो इम्पोर्टेंट कॉल पर बातें करने के लिए बालकनी में आ जाता है और वो बालकनी से बाहर की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में एक पर्सन को कहता है मुझे एक ऐसा मेंशन चाहिए जहाँ से सिर्फ बाहर जाने की और अंदर आने की एक ही डोर होना चाहिए और उसके साथ विंडो जो होगा उसमें भी लॉक होना चाहिए ताकि कोई भी विंडो से भी भागने की ट्राई ना कर पाए और विंडो को तोड़ने के बारे में जितनी भी ज़्यादा क्यों ना सोच ले पर विंडो ना तोड़े, मुझे एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से भरा हुआ एक मेंशन चाहिए। तब तुरंत वो पर्सन कहता है इस तरह अब जैसे चाहते हैं हम लोग जल्द ही इस तरह के मेंशन ढूंढ लेंगे। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है यस जल्द ही करो मेरे पास टाइम नहीं है। तब वो हाँ कह देता है और इसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग की तरफ देखता है जो बालकनी से मूनलाइट तंग के फेस पर गिर रहा था और तंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उसके फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तब जंगकुक कहता है इस ब्यूटीफुल एंजल को मुझे इस फुल वर्ल्ड से छुपाना होगा ताकि कोई भी इस एंजल को ढूंढ ना पाए, सिर्फ एक ओनली वन एंजल इस वर्ल्ड में है और वो मेरा पास ही है। और जंगकुक स्मार करते हुए चुपचाप बेड पर आ जाता है और बेड पर आकर तंग को पीछे से हक करके उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरा हो और तुम्हें कोई और ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा आपसे, आपसे तुम मेरे घर में बंदी बनकर रहोगे पर तुम्हें जो चाहिए वो हर एक चीज़ मैं दूंगी, एक प्रिंसेस की तरह मैं तुम्हारे साथ ट्रीट करूंगी जिसे कोई भी चीज़ की कमती नहीं होगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।